पाकिस्तान वाले रिएक्शन बना रहे हैं वो बेवकूफ हैं। हाँ आपने गलत तरीका बोला रे, हम लोग इधर वो चीज़ अच्छा नहीं होता है। आप जिसके बलबूते को उड़ते हैं रावण डीजे, अगर उसको फिर से प्रूफ चाहिए तो मैं बोलता हूँ कि मैं तो रेडी हूँ अभी भी। किस्मत अच्छा कि वहाँ पर 42 बेस लगा नहीं, आपको बता दे रहे जानकारी के हिसाब से यहाँ पर 42 बेस टेस्टिंग होके गया था, वो भी अपना डीजी से ही। तो सोचिए कि 30 बेस में ये हालत है, तो आपका 42 बेस अगर हम लोग का लगता तो क्या ही हालत रहता, ये भी तो सोचिए कभी। और जितने भी भाई लोग अभी ऑनलाइन हैं सबको फिर से नमस्कार। कभी अभी देख रही ये मेरे ख्याल से हरिद्वार का जो मेला लगभग 1 महीना खत्म होने चला है, पार हो गया होगा, लेकिन कुछ लोगों का अभी पेट दर्द अभी भी खत्म नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों। आपको पता नहीं है, आप जो जानकारी दे रहे हैं कि उनके 9 बेस का क्या हुआ, खुल गया फूक गया क्या क्या फालतू फालतू बात कर रहे हैं, ये सारा चीज आप जानते हैं। अगर सच्चाई बताऊं आपको, जब रात को हुआ कंपटीशन, अभी भी मैं दिखा दे सकता हूं, अभी 1 मिनट रुको, अभी ये देखो इधर। ये आपका हालत था, एक बार थोड़ा देखिए, ये देखो बेस का कमाल, आदमी का रिएक्शन देख रहे हैं आपको, लोग कैसे मजाक उड़ा रहे थे आपका। भैया ध्यान दीजिए, और खास करके रावण डीजे का ऑनर, भाई साहब आप अमीर आदमी है जो भी है, ठीक है अपने अपने जगह सब अमीर होते हैं, जो दिल के अमीर होते हैं ना वही सबसे बड़ा अमीर होते हैं। जो पाकिस्तान वाले रिएक्शन बना रहे हैं वो बेवकूफ हैं। हाँ आपने गलत तरीका बोला रे, हम लोग इधर वो चीज़ अच्छा नहीं होता है। आपको अगर सम्मान दिए, आपके बारे में कुछ भी नहीं बोले, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कुछ भी, आपके पैसे से हम लोग नहीं चलते हैं। रावण डीजे भाई साहब एक चीज बता दे, रावण डीजे ने एक वीडियो बनाया, मोहित भाई सार्जन डीजे देखो साइड से छिप रहा है, हालत देखो, मसाला मिल गया बाकी सबको, ठीक है क्या मसाला मिल गया कि सार्जन डीजे छिपा हुआ है। भैया सार्जन डीजे 1500 किलोमीटर छिपने गए थे। हाँ मैं जाके भी साउंड सिस्टम के पास इसलिए नहीं रहने सक रहा था कि काफी लोग मेरे पास इकट्ठा हो जा रहे थे, और अगर उस तरह का अपना हुलिया दिख रहा था ना तो रावण डीजे तुमसे डर के नहीं भाई, मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था, क्यों लड़के लोग को संभालने के लिए, कौन कहाँ है क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इतना सारा टेंशन था। और आप क्या कर रहे थे, अब तो साफ साफ वीडियो में देखते, देखिए लास्ट में हुआ क्या था, लड़ाई कैसे हुआ आपको भी ये भी बता दे रहे हैं। लास्ट लास्ट में आपका जब क्या होता है, अब 35 बेस 40 में बोले 4 स्पीकर मेरा फूका है और 4 नेटवर्क प्लेट, भाई अगर इतना सारा चीज था तो फिर भी करीबन 35 40 बेस तो होगा ही, अगर 35 40 बेस था आपके पास तो आप वहां पर क्या भोंपू बजाने गए थे, पै 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 कर रहे थे, चोंगा बजा रहे थे क्या वहां, मिनीटोन वालों ने आपको चोंगा बजाने के वहां पर भेजे थे। बहुत सारे कमेंट आता होगा आपके पास, आप जितना माल बजाते हैं ना उतना तो मैं डेली का सेल करता हूँ, ये सही बात है, उतना मैं सेल करता हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला, लोगों को पता है, लोग बोलते हैं आपको। आप लोगों को क्या लग रहा है कि हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब पे 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 डेली टॉपिक उठा के मतलब बोलते जाओ। भैया वहां पर 42 बेस गया था, आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, वो आप लोग का किस्मत अच्छा था कि अगर कॉम्पिटिशन होता बढ़िया से, अगर पूरा माल लगता तो 42 का क्या प्रेशर रहता, 35 का बेस में आदमी का क्या क्या हिल रहा था आप लोग देख ही रहे थे ना, 42 में क्या रहता, और 7 पीस और एक लाइन अगर रहता तो। और आप लोग जो चलाते हैं ना आप खास करके, उतना तो मेरा ऐसे इस तरह से रहता है, एक्स्ट्रा में रहता है ये सब देखो, है इतना सारा चीज मेरा घर में रहता है एक्स्ट्रा में, ये देख रहे रावण डीजे ने, जी रावण डीजे ने जिंदगी भर इतना भीड़ नहीं देखा होगा एक साथ, ये दिमाग में है, अगर 21 ही बेस था ना तो इतने आदमी मनोरंजन तो हो रहा था। दोनों NH पूल है, क्या ज्ञान देते, छिप रहे 1500 किलोमीटर में छिपने के लिए गया था, खुद तो कभी बाहर गया नहीं, रिस्पेक्ट करना सीखो। और डीजे का ऑनर हूँ, मैंने आपके बारे में नहीं बोलता, लेकिन आपने शुरुआत किया, क्योंकि हर डीजे वाले का रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे का, मैं इसीलिए आपके बारे में कभी नहीं बोला, रवि चौधरी के बारे में भी कभी नहीं बोला, जिसके कारण जिस तरह से लड़ाई हुआ, हाँ लड़ाई हुआ था, मैं ये भी मानता हूँ, मेरे लड़के को आपको रियलिटी ये भी बता देते, कुछ लड़के को मेरा भी लड़का को जो ऊपर बैठा हुआ था उसको आप कूच रहे थे डंडा से, जो ड्राइवर था मेरा उसको भी डंडा से आप लोग कूच रहे थे, वहां चढ़ने का वीडियो भी है आपका यूट्यूब में पड़ा हुआ, मैं ये चाहा कि मैं इसलिए नहीं बताऊं कि झूठ मूठ का माहौल क्यों खराब होगा। बोल तो रहे 42 बेस, आपको एम्पलीफायर भी मैंने दिखा दिया कि क्या था, अगर कभी भी कॉम्पिटिशन का मन हो तो वहां पर नहीं, कोई और जगह आप चूज करो जहां पर आपका भी बराबर है मेरा भी बराबर है, थोड़ा हैवी में होना चाहिए, मैं और डीजे वाले को नहीं। आप जिसके बलबूते को उड़ते हैं रावण डीजे, अगर उसको फिर से प्रूफ चाहिए तो
तो मैं बोलता हूँ कि मैं तो रेडी हूँ अभी भी, कोई ऐसा जगह जहां पर दोनों के लिए बराबर हो। अभी अगर आपको शौक अगर अधूरा रह गया है तो वो भी पूरा कर सकते हैं, इतना तो है। आप जो गलतफहमी में जी रहे हैं वो गलतफहमी भी दूर कर देंगे फिर से अगर आपको मौका चाहिए तो। आप क्या बोलते हैं कि रात रात भर कॉम्पिटिशन होगा, है चीट भी पॉट, चीट भी आपका पॉट भी आपका, हेड एंड टेल बोथ आपका ही है, ऐसा नहीं होता है। अरे वो खिलाड़ी का क्या वैल्यू जो आउट होने के बाद भी फिर बैट मांगे कि मैं तो, ये तो मेरा बैट है, मैं फिर से उतरूंगा। जब खिलाड़ी एक बार आउट हो जाए ना तो हटाओ उसको, आपका तो चार आधा घंटा में ही कहानी खत्म हो गया था 30 बेस से। तो आप ये दोबारा माल ढके कभी इसको भी बताइए, तो आपका तो आधा घंटा में ही माल फूक गया था रात को, सुबह को 4 बजे क्यों बंद किया था? अभी एक वीडियो दिखाया ना आपको, क्यों बंद था जिस समय मैं माइक्रोफोन में बोला है आपको रिस्पेक्ट देके भी, ये भी रखिए। तो आपको क्या हुआ था, फूक गया था ना पूरा। फिर आपने क्या किया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दूरी बना लिए, और दूरी बनाने के बाद फिर तिरपाल ढका, फिर माल चेंज हुआ। क्या एक्सपीरियंस है, इतना कमजोर माल था कि आधा घंटा में कहानी फेलन हो गया। तो हमको सार्जन को टार्जन बनाने में चले थे, आप तो खुद ही बन गए भैया। क्या था आधा घंटा में एकदम साइलेंट, अभी भी वीडियो पड़ा हुआ है भर भर के कि आप तो वहां तो दिखे नहीं, आप तो उतर के चल गए। वीडियो भी है, अगर चाहिएगा कभी तो मांगिएगा, पर्सनल नंबर है आपका मेरे पास, आपको भेज देंगे। कंपटीशन हमारे यहाँ पर कंपटीशन तो इस तरह का होता है कि अगला का माल फूक गया, साइड हटो, इधर कोई जगह नहीं है, सच में कोई जगह नहीं है। एक बार जो आउट हो गया टीम से हट जाओ, क्या फिर से रात भर तिरपाल ढको, फिर माल बदलो, फिर आओ? मतलब मेरा घर है, मैं जो चाहूंगा वही सही है। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।